हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिया था और कोरोना बढ़ गया और फिर से हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने पड़ रहे हैं। तो क्लासेस में तो हमने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ा दिया था, हमारा कोर्स आगे भी हो गया था, लेकिन ऑनलाइन वीडियो के थ्रू हम लोग चैप्टर फर्स्ट से पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो ये क्लास फर्स्ट का हिंदी व्याकरण है और हिंदी व्याकरण का पहला पार्ट जो है हमारा भाषा है, जिसे हम ऐसे साधारण रूप में लैंग्वेज, आजकल ऐसे जनरली लोग इंग्लिश बोलने का बड़ा शौक रखते हैं, तो कुछ लोग हैं जो भाषा तो हम लोग कहते हैं, भाषा जानते हैं, उसको इंग्लिश में हम लैंग्वेज कहते हैं। तो क्लास फर्स्ट में भाषा के माध्यम से हम व्याकरण पढ़ेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। सबसे पहले बच्चों, भाषा जानने से पहले हम कुछ साधारण से कुछ बातें जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्लास में मैंने बताया था कि जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो आप समझ रहे हैं, फिर उसका उत्तर दे रहे हैं, तो उस उत्तर को हम किस माध्यम से दे रहे हैं, कैसे उत्तर समझ रहे हैं, हमको क्या उत्तर देना है, तो उसका तथ्य ये है कि हम भाषा जानते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि अभी हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं और आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। अभी अगर कोई हम दूसरे देश से, दूसरे कंट्री को, मान लो चाइना के एक व्यक्ति को बुला दें और यहाँ पे कुछ लिखेगा, आपको बोल के जाएगा, आप उसको समझेंगे नहीं समझेंगे, उसका मतलब ये है कि आपको वो भाषा समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उस भाषा का ज्ञान नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाषा किसे हम कहेंगे, जब हम किसी से बात करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसके बातों का जवाब देते हैं, वही हमारा भाषा होता है। इसको और सटीक तरीके से इसकी परिभाषा को जानेंगे, अपने भावों या विचारों के आदान प्रदान को हम भाषा कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा की परिभाषा यही है कि अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अपनी बात कहना, दूसरों की सुनना, सुनकर समझना, जवाब देना, वो हमारी भाषा कहलाती है। इसके बाद भाषा के प्रकार होंगे कि हम भाषा के प्रकार पढ़ेंगे, क्योंकि आपके किताब में ये भाषा एक टॉपिक दिया है और भाषा के प्रकार दूसरा लेसन दिया है, ठीक है, लेकिन वो मैं बाद में पढ़ाऊंगी। अभी फिर एक बार शॉर्ट में आप समझ लीजिए भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भाषा के दो प्रकार हैं, होते हैं, जिनको मान्यता प्राप्त है, दो प्रकार। पहला होता है हमारा मौखिक भाषा, और दूसरा होता है लिखित भाषा। एक भाषा आप लोग और जानते हैं जो आपके किताब में नहीं दिया गया है, जिसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा का मतलब इशारे से बात करना। कुछ लोग होते हैं जो मुख बधिर होते हैं, जो मुंह से बोल नहीं पाते हैं, इशारों से बात करते हैं। अब कुछ चीजें ऐसे इशारे से, हम लोग भी नॉर्मली किसी से कोई बात करना होता तो इशारा कर देते हैं, वो सांकेतिक भाषा होती है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को दो भाषा के प्रकार पढ़ाऊंगी, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। किसी ने आपसे पूछ दिया कि एक और भाषा होती है, जो अगर हम इशारे से बात करते हैं, वो कौन सी भाषा होती है, जो बोल नहीं पाता है, जो लिख नहीं पाता है, वो किस भाषा का प्रयोग करता है, तो उसको हम कहेंगे कि वो सांकेतिक भाषा है। लेकिन हमारे संविधान में सांकेतिक भाषा को कोई लिखित दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए उसको हम अपने भाषा के प्रकार के नहीं लाते हैं, लेकिन साधारण से हम जान सकते हैं कि सांकेतिक भाषा क्या होता है। मौखिक भाषा, जैसा कि मैं आप लोगों को मुख से बोलकर भाषा के बारे में समझा रही हूँ, भाषा के विषय में बता रही हूँ कि भाषा किसे कहते हैं। मैं मुंह से बोल रही हूँ, आप कान से सुन रहे हैं, सुनकर समझ रहे हैं, जवाब अपने मुंह से दे रहे हैं, वही हमारी मौखिक भाषा होती है। यानी मुख से बोलना, दूसरे उसको सुनकर समझते हैं, उसी को हम मौखिक भाषा कहते हैं। और दूसरा हो गया लिखित भाषा। लिखित भाषा हम लोग अपने स्कूल में कोई भी चीज लिखते हैं, लिखकर समझते हैं और समझाते हैं दूसरों को, वो लिखित भाषा। लिखित भाषा आजकल हमारे सरकारी दफ्तरों में बहुत ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है। कहीं भी कुछ भी साक्ष्य देना होता है, कोई भी जैसे कुछ भी देना होता है, तो वो लिखित भाषा के माध्यम से हम लोग देते हैं। यानी कि मौखिक भाषा हो गया और लिखित भाषा हो गया। अब भाषा आपका यहाँ समाप्त हो जाता है। साधारण रूप से आपने समझ लिया कि
अगर हम किसी की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, लिख कर समझे, पढ़ कर समझे, देख कर समझे, किसी भी चीज तरह समझ लिए, उसका जवाब दे दें किसी प्रश्न का, वही हमारा भाषा होता है। इसके आगे का वीडियो मैं आगे आपको सेंड करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।